हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपम, आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं देखिए कलेंचू का जो मैं कटिंग लगाई थी वो कितनी अच्छी से अच्छे तरीके से वो कटिंग मेरे लग चुके हैं। और चलिए देखते हैं कितना इसमें रूटिंग हुआ है। आज इसका मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो मैं इसका रिपोर्टिंग किस तरह का सोयल तैयार करती हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँगी और रिपोर्टिंग भी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो फिर बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा फ्रेंड, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो फिर चलिए देखते हैं, ये मेरा कलेंचू का कटिंग्स है जो कि मैंने इसे कटिंग से लगाया था। और इसमें मैंने ये 5 कटिंग मेरी लगी हुई है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ब्लूमिंग हो गई है। देखिए कितने मैंने, ये 2-3 पत्ते के थे तो देखिए कितने सारे इसमें शूट्स निकले हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितना इसमें रूटिंग्स हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी, एक मिनट, कितनी अच्छी इसकी देखिए रूटिंग हो गई है। मैंने इसे जब इसका कटिंग लगाई थी तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स, और मैंने इसे एलोवेरा जेल से ही लगाया था। और देखिए कितनी अच्छी रूटिंग्स इसकी हो गई है। तो ये मेरे 1-2-5 कटिंग्स हैं जो कि मैं इसको लगाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर रख देती हूँ इसको, और पहले इसका मिट्टी मैं तैयार कर लेती हूँ आप लोगों से। तो मिट्टी का, ये सोयल का बात करूँ तो देखिए सोयल में मैंने लिया है, ये एक एक भाग मैंने ले लिया है। ये कोकोपीट है, ये रेत है, बजरी वाला रेत है जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, वो वाली रेत है। तो मैंने धो करके जो रखा था रेत को, तो देखिए अभी भी मेरा रेत में मॉइस्चर बना हुआ है। ये मेरा राइस हस्क है, इसे भी मैंने धो करके जो रखा था ये अभी भी मॉइस्चर ये बना हुआ, ये गीला ही है, सुखा के रखा था लेकिन बारिश में ये भींग गया था मेरे यहाँ। और इधर देखिए ये थोड़ा सा मैंने इसका छाना हुआ जो था, ये बजरी ले लिया है, ये मेरा भून मिल है। और इधर मेरा ये देखिए ये नीम खली है यहाँ पर, और इसमें मैं थोड़ा सा ले लूँगी वर्मी कंपोस्ट। देखिए मैंने इसका देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी पॉट से एक एक भाग ले ली थी इसमें, तो इसी से मैंने ये वर्मी कंपोस्ट भी इसी से भर के ले लूँगी। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, बाकी सारा मैं तो इसमें डाल चुकी थी। और फिर देखिए मैं इसमें इस तरह से एक इस तरह भर करके मैं इसको ले ली थी। वर्मी कंपोस्ट भी आप इसी तरह से ले लें। देखिए थोड़ा सा और डाल देती हूँ, देखिए, और इसमें मैं इस तरह डाल दूँगी, सब एक एक भाग है। और इधर देखिए थोड़ा सा मैं इसमें इतना सा, क्योंकि ये मेरे 5 प्लांट हैं तो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी जाएगा, 1 चम्मच के करीब मैं एप्सम सॉल्ट ले लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और ले लेती हूँ, ये देखिए, और कुछ दाने मैं 1/2 चम्मच के करीब DAP ले लूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है। देखिए इतना मैं DAP ले लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये मेरा ह्यूमिक एसिड है, थोड़ा सा मैं लूँगी इसमें, क्योंकि मैं ह्यूमिक एसिड्स भी ग्रोथ में बहुत अच्छा काम आता है। ये देखिए ये मेरा देखिए 95% है ह्यूमिक एसिड्स। यहाँ देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं ले लूँगी बस इतना सा ही, और थोड़ा सा मैं इसमें पोटाश डाल दूँगी फ्रेंड। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पोटाश डाल दिया है। देखिए और मेरे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट अभी एक्सट्रैक्ट नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए मैं उसका, तो मेरे पास लिक्विड है, ग्रेनुअल था नहीं, तो इसलिए मैं वैसे स्किप कर रही हूँ। आप, मैं इसे बाद में डाल दूँगी। और बोन मिल वगैरह आप दे सकते हैं, कलेंचू प्लांट को बोन मिल बहुत पसंद है, वो उससे बहुत ही अच्छा उसे न्यूट्रिशन मिलता है। वो प्लांट को आप बोन मिल देंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, हेल्दी बना रहेगा, फ्लावरिंग बहुत अच्छी, ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आएगी उसमें। तो चलिए मैं इसको मिला लेती हूँ फिर।
तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोन मील मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऐड और किया है, एक चम्मच के करीब देखिए। तो इसे भी मैं मिला दूंगी अच्छे तरीके से। देखिए सारे मीडिया को मैंने मिला दिया है अच्छे से, आप देखिए इस तरीके से। इसमें मैंने मिट्टी ऐड नहीं करी है फ्रेंड, तो आप थोड़ा सा इसमें मिट्टी भी मिला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो वो भी मिला सकते हैं। लीफ कंपोस्ट बहुत ही अच्छा, इसे इस प्लांट को लीफ कंपोस्ट भी बहुत पसंद है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है। तो देखिए अब मैं आपको पॉट दिखाती हूँ। ये मैं 5 इंची का पॉट है, इसी में मैं इसे लगाने वाली हूँ। देखिए तो मैं इसका टिकरी, तो इसमें जो मैं होल को कवर करूँगी उसका मैं टिकरी, एक मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ये थर्मोकोल का जो टुकड़ा तोड़ तोड़ के मैं इसे डाल दी हूँ, क्योंकि इससे मिट्टी हल्का भी रहता है, ये पॉट हल्का भी रहता है और इससे एयर भी अच्छा इसमें पॉट में बना रहेगा। तो इसमें देखिए मैं इस तरह से मिट्टी भर दूँगी। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्लांट्स का रूट्स में भी अंदर से हवा जाता है तो बहुत अच्छा, वो हेल्दी रहता है, वो ज़्यादा पानी भी इसमें ठहरता नहीं है, वो इसलिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो देखिए मैं इसमें इस तरह तरीके से भर दूँगी। मैंने इसमें मिट्टी का क्वांटिटी थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसमें होल बना दूँगी इस तरीके से। और जो ये प्लांट था मेरा, ये देखिए इसे मैं इसमें लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे थोड़ा, देखिए मैं इस तरह से डैप डैप कर दूंगी ताकि अच्छे से प्लांट आप हल्की हल्की इस तरह से दबा सकते हैं। देखिए मैं इसी तरह से 5 प्लांट हो जाएंगे मेरे, तो 5 में मैं रिपोर्टिंग करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरे की रूटिंग्स देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ये देखिए इसका और भी मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितनी अच्छी रूटिंग्स हुई है। बस मैंने इसे रेत में ही इसकी कटिंग्स को लगा दिया था और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप देखिए इसकी, इतने छोटे से प्लांट में इसके रूटिंग्स देखिए, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। ये इसकी पत्तियों को भी, अगर पत्ते टूट जाते हैं थोड़े से मैच्योर पत्ते इसके लें, वो भी टूट जाते हैं, आप इस तरह से रेत में अपना लगा देंगे तो अच्छी तरीके से लग जाएगा। लेकिन आप इसमें एलोवेरा इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो हमारे रूटिंग, ये देखिए इसकी रूट्स बहुत अंदर तक चले गई है जो कि निकल नहीं रही है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा धीरे धीरे निकालना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, मुझे लगा ये रूटिंग्स बहुत अंदर तक चले गई है लेकिन ये डाल अंदर तक चले गए थे। देखिए इसके रूट्स, आप देखिए पहले गौर करके, इसके रूट्स यहाँ से भी निकल गए हैं, यहाँ से भी निकल गए हैं, देखिए यहाँ से भी निकल गए हैं और नीचे से भी निकल गए हैं। तो बहुत ही अच्छा है इसमें ये प्लांट्स की रूटिंग्स हुई है। और देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है तो कोई नहीं, ये सर्वाइव कर बच जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आप अपने क्लेंचो प्लांट की रिपोर्टिंग करें। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो जा रहा है फ्रेंड, तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर करें और देखिए इसी तरीके से आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करिए। और इसका सोयल इसी तरीके से तैयार करें, हल्की सोयल, ताकि ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके, प्लांट में ग्रोथ अच्छी दे सके। और इस तरह के सोयल में आप अपने क्लेंचो प्लांट को लगाते हैं तो ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, और जितने हेल्दी ग्रोथ होंगे, जितने रूट्स इसके हेल्दी होंगे, उतना ये फ्लावरिंग अच्छा देगा। और ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा मिट्टी को टैप टैप मैं कर दूँगी ताकि ये सारी जो भी जितने भी अंदर बचे होंगे होल वगैरह, तो वो मिट्टी सेट हो जाए।
ये देखिए सब में मैंने इसी तरह का थोड़ा सा मैंने अंदर भरा है इसमें, और थोड़ा सा ये भी थर्मोकोल भी डाला है। तो देखिए पहले मैंने छोटा पॉट ही इसके लिए सिलेक्ट किया है, और फिर धीरे धीरे मैं इसके इसे मिट्टी वाले पॉट में करूँगी। अभी थोड़े से प्लांट ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इसे, अभी मैं नहीं करूँगी, अभी मैं इसी में ही रहने दूँगी। और जब विंटर आ जाएगा, ये विंटर में बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, लेकिन आप अभी से अपने प्लांट को सेव करके इसके ये तैयार कर सकते हैं। इसमें से दो प्लांट मेरे वो कलंचू के ख़राब हो रहे थे, तो उसे मैंने सेव कर लिया, इसकी कटिंग्स को लगा लिया, तो वो प्लांट आपके सेव हो जाएंगे। अगर आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं और ऊपर के टिप्स अगर कुछ हेल्दी हैं, तो उसकी कटिंग्स आप लगा करके अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आपका प्लांट सेफ हो जाएगा, आपको दोबारा ये प्लांट ख़रीदना नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो इसी तरीके से देखिए मैं सारे को लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पांचों ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट मैंने ग्रो ये इसमें रिपोर्टिंग कर ली है, और अब मैं इसे फंजीसाइड का स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि मैंने मिट्टी में साफ फंजीसाइड पाउडर मिलाया नहीं था, तो इसलिए मैं, क्योंकि वो मैं लिक्विड बना के रखी थी, तो मैंने पानी के साथ ही इसे देना था इसको। तो देखिए मैं इसे स्प्रे कर दूँगी फ्रेंड, आप अच्छी तरीके से सब में आप स्प्रे कर दें, और इसी तरह से आप देखिए सारे अच्छे से प्लांट को पानी दे दें। और इसे मैं अभी शेडी एरिया में ही रखूँगी 3 से 4 दिन, जो सुबह की थोड़ी सी धूप इसे मिले, फिर उसके बाद मैं फिर इसे जो शेडी एरिया जिसे ब्राइट लाइट में रख देती हूँ, जो कि सुबह की 3-4 घंटे की धूप इसे मिले, जहाँ पे मैंने सारे कलंचू का रखा है वहाँ पे मैं इसे रख दूँगी फ्रेंड। और बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे वीडियो के साथ। थैंक यू।